पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 और तमाम टीमें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ पिक्स बाद में ज़रूर होंगी। क्वेटा ग्लेडिएटर्स, उनके ऑनर नदीम उमर साहब ऐसे मौजूद हैं, ग्रास रूट लेवल पर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और इनकी टीम जब जीतती है तो लोगों को ज़्यादा खुशी होती है कि जब वो नहीं जीतती तो ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत अरसे से। नदीम भाई, आई थिंक ड्यू है इस सीज़न तो कि एक अच्छा बाउंस बैक होना चाहिए। आप लोगों ने कोशिश भी की है, नए कोच भी आए हैं और इस तरह कुछ हमने पिक्स भी देखी, लेकिन ओवरऑल सबसे पहले ड्राफ्ट से सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं? रियली ऑनेस्टली आर यू सेटिस्फाइड नाउ? मैं आई थिंक 90% सेटिस्फाइड हूँ। वजह ये है कि हमने एक दो पिक्स ऐसी करी जो मैं समझता था कि ये इनको लोग उठा लेंगे, बट नहीं उठाया, तो वो मुझे नीचे सप्लीमेंट्री में हमें मिल गई तो आई एम ओवर द मून। एक दो पिक्स, और सेकेंडली जितनी अच्छी ट्रेड हुई थी नसीम के जाने से, ऑफकोर्स द टीम गॉट वीकर, बट आमिर आ गए, एक्सपीरियंस बॉलर, देन वी हैड हसनैन, और जो सबसे अच्छी बात लगी आई थिंक अकील हुसैन, लोग अब बहुत अंडर रेट कर रहे हैं कि इसको नहीं उठाया, बिल्कुल क्यों नहीं उठाया ऊपर आई डोंट नो, बट सो एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इंजरी बारिंग एनी इंजरी आई थिंक वी हैव नो एक्सक्यूज दिस टाइम। पिछली जगह तो असारंगा नहीं आया, यानी प्रॉब्लम रहती रही, बट इंजरी ना हो तो वील बी गुड इंश्योर। सर पहला सवाल ही मेरा आपसे ये था कि असारंगा बहुत बड़ा नाम भी है, आप लोगों ने उनको लास्ट सीजन के बाद, फिर आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, किसी को नाराज नहीं करते, इस बार शायद गारंटी है क्वेटा ग्लेडिएटर्स वाले सारे देख रहे हैं आ रहे हैं पूरा सीजन के लिए? पूरे सीजन तो नहीं, पार्शली अवेलेबल है आई थिंक फर्स्ट 6 मैचेस वी नीड हिम, और अगर वो 6 में से 2-3 भी जितवा दें तो बहुत बड़ा नाम है असारंगा का। तो हम लोग अभी शेन वॉटसन से भी बात हो रही थी, बहुत ही खुश है, ठीक है, इसी तरह मोइन भाई, वी आर ऑल हैप्पी, सरफराज, वी टॉक टू एवरीबॉडी, तो सब बहुत खुश हैं। मेरा ख्याल है आप लोग ज़्यादा अच्छा सेस करेंगे क्योंकि आप लोग शो करते हैं आप और बहुत सी चीज़ें देखते हैं, शायद हम लोग कंपेरेटिव स्टडी में नहीं देख पाते, तो अब आप लोग बताइएगा कि टीम कैसी है। बस हम भी अभी देख रहे हैं सारे स्क्वाड पूरी तरह देख रहे हैं, अभी तो जस्ट ड्राफ्ट हुआ है। अच्छा, शरफीन रदरफोर्ड हैज बीन अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, स्पेशली जलमी के लिए बड़े मैचेस जितवाए, फिर मिड ऑर्डर के बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उन पर आपने ट्रस्ट किया, अगेन कितना अवेलेबल है नदीम भाई? और दूसरा ही इज़ अ PSL स्टार। बिल्कुल, शरफीन रदरफोर्ड मैं हैरान था कि एंड थैंक यू कि उन्होंने इस पर वाइल्ड कार्ड नहीं किया, राइट टू मैच, बड़ी राइट टू मैच, सॉरी मैं तो उनकी तरफ देख भी रहा था अकरम भाई की वजह क्या हुआ भाई, बट थैंक यू सो मच आपने गिफ्ट कर दिया हमें। एंड शरफीन रदरफोर्ड यू आर राइट कि ही इज़ बीन अ स्टार ऑफ द PSL, और मिडिल ओवर्स में आपको पता है हमारा रन रेट बहुत गिर जाता था, तो विद राइली रूसो एंड शरफीन तो वी विल आई थिंक मेक गुड हेडलाइन, स्पेशली असारंगा भी उधर ही होंगे। अच्छा दीपी, आपने बहुत सपोर्ट किया है सरफराज अहमद को और वो डिजर्व भी करते हैं, पाकिस्तान के बड़े टॉप परफॉर्मर हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब मुश्किल वक्त भी आता है तो आप एकदम से डिसीजन नहीं लेते, रीअपॉइंटेड हिम, कंटिन्यू हिम एज अ स्कीपर, लेकिन जैसे मैंने कहा आई थिंक आप खुद भी इसे एग्री करेंगे कि अब ड्यू है कि अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो क्या आसान फैसला था ये कैप्टन रिमेन करने वाला, इस पर सोचा या समझते नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड? देखिए नहीं, मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मौक़ों पे कुछ नहीं होता, आपके बेटे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम वो फ्रेंचाइज नहीं है, हम फ्रेंचाइज ये हमारे रिश्ते को 35 साल से चला रहे हैं क्लब, तो कहना बाहर से बहुत आसान है कि प्रोफेशनल बन जाएं, को बिल्कुल आप प्रोफेशनल के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी होना चाहिए, तो जो सरफराज का डिसीजन है वो वेरी हैवी ऑन अस, और अभी हम उसके बाद के बगैर कोई भी फैसला नहीं करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट है सरफराज की, वो हमारे दिल में भी है बिल्कुल, और आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगी, ठीक है। ओवरऑल सर, जो इमर्जिंग की पिक्स होती हैं और आप लोग चूंकि ग्रास रूट पे, से मैंने शुरू में कहा कि बड़ा तवील आप लोगों ने काम किया है, बड़े स्टार पाकिस्तान को दिए, कुछ उनके बारे में जरूर बताएं। आई नो कि आजम खान और आप सब बड़ी मेहनत करते हैं, सारे लड़के प्रोड्यूस किए हैं और बहुत सारे लड़के कराची में हम आप लोगों से सुनते हैं, ये हकीकत है, और उसके बाद वो लड़के आगे बढ़ते हैं, तो ये इमर्जिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर नदीम भाई खास नजर दी। जी जी, नाफे आपको देखा, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, बड़ा उनका मशहूर, हाँ नाम मशहूर हो गया, हमें ये था कोई और ना उठा ले, एक यासिर हमारे बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट थे, किसी और ने उठा लिया, इस नाफे थे, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें वो मिल गए, और वो साइम अयूब की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जितना नो लुक शॉट साइम का था ना, वो भी इसी तरह की शॉट्स खेलते हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट हैं लेकिन अभी बहुत यंग हैं, तो हम उनको थोड़ा रन देंगे अपने साथ और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो ही परफॉर्म करके देंगे। आप आखिर में सर, कुछ प्लेयर्स आप बनाते हैं, कोई और उनको खिलाते हैं, ये PSL का बड़ा हुसन है, राइली रोसो वापस आ गए,
तो इस पर कितनी खुशी है, बिकॉज जिस वो गए थे हमें बहुत हैरानगी हुई थी कि वो कैसे चले गए। तो वेलकम बैक फॉर रायली रोसो। नहीं नहीं, रायली की जहाँ तक बात थी, आपको पता है वो प्लैटिनम में चले गए थे। यहाँ एक प्रॉब्लम ये था, ये लॉटरी होती है, आपने देखा ये जो ड्राफ्ट है ना, ये लॉटरी है। आपको अगर कहूँ ना, मेरा क्लब अगर हो हमारा PSL में, अगर आप खिलाएं तो हम सब टीमों को हरा दें, उसमें सरफराज ही कप्तान होगा, बट यू विल नो व्हाट प्लेयर्स यू हैव। इधर तो पता ही नहीं होता, जैसे मैंने आपको अकील हुसैन की क्लासिक एग्जाम्पल दी, किसी ने सोचा नहीं या उठाया नहीं। शरफेन रदरफोर्ड पे जैसे कह रहे हैं कि मैं देख रहा था उधर। हाँ एग्जैक्टली, शरफेन रदरफोर्ड। तो ये पिछला आप देखें, वो आ गए हमारे बॉलर जो अफगानिस्तान के लिए, राशिद खान। राशिद की कितनी बड़ा फर्क पड़ा आपको देखा, लेकिन पहली बारी थी जिसने उठा लिया, उसने आज तक छोड़ा नहीं। बिल्कुल, तो ये यू नेवर नो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL9। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नदीम उमर साहब, ऐसा मौजूद थे। और एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आके दीगर लोगों से बात करते हैं।